बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शुएब कुरैशी व्लॉग। आप सब भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल शुएब कुरैशी व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और मेरी हर नई आने वाली वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स नमाजों को अपने वक्त पर पढ़े, वुज़ू भी अच्छी तरह करे, खुशू खुजू से भी पढ़े, खड़ा भी पूरे वक़ार से हो, फिर इसी तरह रुकू सजदा भी अच्छी तरह से इत्मीनान से करे, गर्ज हर चीज़ को अच्छी तरह अदा करे, तो वो नमाज नहायत ही रोशन चमकदार बनकर जाती है और नमाजी को दुआ देती है कि अल्लाह ताला शानहु तेरी भी ऐसी ही हिफाजत करें जैसी तूने मेरी हिफाजत की। और जो शख्स नमाज को बुरी तरह पढ़े, वक्त को भी टाल दे, वुजू भी अच्छी तरह न करे, रुकू सजदा भी अच्छी तरह न करे, तो वो नमाज बुरी सूरत से स्याह रंग में बदुआ देती है और वो ये कहती है कि अल्लाह तुझे भी ऐसा बर्बाद करे जिस तरह तूने मुझे ज़ाया किया। इसके बाद इस तरह से वो नमाज पुराने कपड़े में लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। प्यारे भाइयों, खुशनसीब हैं वो लोग जो नमाज को अच्छी तरह पढ़ें कि अल्लाह की अहम तरीन इबादत उनके लिए दुआ करती है। लेकिन आम तौर से जैसी नमाज पढ़ी जाती है कि रुकू किया तो वहीं से सजदे में चले गए, सजदे से उठे तो सर उठाने भी ना पाए तो वहीं से फौरन दूसरा सजदा कर दिया। तो हदीस शरीफ में ज़िक्र फरमाया कि जब वो इसी तरह नमाज को गलत तरीके से अदा करते हैं, फिर जब वही बर्बादी की बदुआ करे तो अपनी बर्बादी का गिला क्यों किया जाए। यही वजह है कि आजकल के मुसलमान गिरते जा रहे हैं और हर तरफ तबाही ही तबाही की सदाएं गूंज रही हैं। एक दूसरी हदीस में यही मजमून वारद हुआ है कि इसमें यह भी इजाफा है कि जो नमाज खुशू वजू से पढ़ी जाए, आसमान के दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो नहायत ही नूरानी होती है और नमाज के लिए हक तआला शानहु की बारगाह में सिफारशी बनती है। वो नमाज उस बंदे के लिए सिफारिश करती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस नमाज में रुकू अच्छी तरह न किया जाए कि कमर पूरी झुक जाए, उसकी मसाल इस औरत कैसी है जो हमला हो और जब बच्चा होने का वक्त करीब आ जाए तो इसकियात कर दे। एक हदीस में है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़े से बुजुर्ग भूखा और प्यासा रहने के कोई हासिल नहीं, और बहुत से शबे बेहदार ऐसे हैं जिनको जागने के अलावा कोई चीज़ नहीं मिलती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जो क़यामत के दिन पाँचों नमाजें ऐसी लेकर हाजिर हो, इनके औकात की भी हिफाजत करता रहा हो और वुजू का भी एहतमाम करता रहा हो और नमाजों को खुशू खुजू से पढ़ता रहा हो, तो हक ताला शानहु ने एहद फरमा लिया कि इसको अजाब नहीं किया जाएगा। और जो ऐसी नमाजें न लेकर हाजिर हो उसके लिए कोई वादा नहीं है, चाहे अपनी रहमत से माफ़ फरमा दें चाहे अजाब दें। एक और हदीस में है कि एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, तुम्हें मालूम भी है अल्लाह जल्ला शानहु ने क्या इरशाद फरमाया है। तो सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम की वजह से तीन मरतबा यही दरियाफ्त फरमाया। और सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन यही जवाब देते रहे। इसके बाद इरशाद हुआ कि हक तआला शानहु अपनी इज्जत और अपनी बढ़ाई की कसम खाकर फरमाते हैं कि जो शख्स नमाजों को उनके वक्त पर अच्छी तरह पाबंदी के साथ पढ़ता रहेगा, मैं इसको जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो पाबंदी नहीं करेगा तो मेरा दिल चाहेगा रहमत से बख्श दूंगा वरना अजाब दे दूंगा।